हेलो टीचर्स, वेलकम बैक टू हेल्प फॉर टीचर्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, यूडाइस प्लस के और एक इम्पॉर्टेंट वीडियो में आपका स्वागत है। यूडाइस प्लस पोर्टल में स्टूडेंट के अपार आईडी जनरेट करने के रिगार्डिंग ये लेटर आप तक आ चुका होगा। आप यहां पे देख सकते हैं 23 अक्टूबर 2024 का ये लेटर है, जिसमें स्टैंडर्ड फर्स्ट से 12th तक के स्टूडेंट्स के अपार आईडी जनरेट करने के इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। इससे पहले भी एक लेटर इशू हुआ था, मैं आपको यहाँ पे वो लेटर बता देता हूँ। 25 सितंबर का ये लेटर है, जिसमें मेन फोकस जो था वो 9th से लेकर 12th तक के स्टूडेंट्स के अपार आईडी जनरेट करने पे था। लेकिन 23 अक्टूबर का जो लेटर है, उसमें यहाँ पे फर्स्ट स्टैंडर्ड से ही स्टूडेंट्स के अपार आईडी जनरेट करने के लिए कहा गया है। तो इस टॉपिक पर ये वीडियो दो पार्ट में बना रहे हैं, क्योंकि वीडियो ज्यादा लेंदी ना हो। इस पार्ट में हम अपार आईडी क्या है ये देखने वाले हैं, और अपार आईडी जनरेट करने से पहले आपको क्या क्या करना है वो देखते हैं, क्योंकि अपार आईडी डायरेक्ट जनरेट नहीं करना है। पहले उसकी प्रोसेस समझ लीजिए, उसके बाद आप जनरेट कर सकते हैं। इसके लिए यूडाइस में उसका टैब भी शुरू हो चुका है, लेकिन पहले इसकी पूरी जानकारी लीजिए, और उसके लिए वीडियो को आपको लास्ट तक देखना होगा। तो चलिए पहले अपार आईडी क्या है उसके बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे 25 सितंबर को जो लेटर आया हुआ था, उसमें यहाँ पे उसकी जानकारी भी दी हुई है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, स्टेट के हर स्टूडेंट को आपको यहाँ पे अपार आईडी देना जरूरी है। उसके बाद अपार आईडी जो है वो 12 डिजिट का एक आईडी है, जिस तरह से आधार कार्ड का आधार नंबर होता है, उसी तरह से अब अपार आईडी के भी 12 डिजिट का एक नंबर मिलेगा। और ये उनको ही मिलेगा जो यूडाइस प्लस में जिनका आधार वैलिड हो चुका है। तो उसके लिए यहाँ पे स्टूडेंट का आधार वैलिड होना जरूरी है। उसके अलावा और यहाँ पे जो स्टूडेंट के अपार आईडी जनरेट होंगे, वो आप यहाँ पे डिजी लॉकर से भी जोड़ सकते हैं स्टूडेंट्स के अकाउंट से। उसके अलावा 10th और 12th की जो मार्कशीट है या फिर रिपोर्ट कार्ड है, उसको भी आप यहाँ पे ऑनलाइन देख सकते हैं अपार आईडी की मदद से। तो इस तरह से यहाँ पे अपार आईडी के फायदे बताए गए हैं, और इसकी ज्यादा जानकारी के लिए यहाँ पे कहा गया है कि इसकी डिटेल जानकारी अगर चाहिए तो यहाँ पे अपार की जो ऑफिशियल वेबसाइट है apar.education.gov.in/resource, इस पे यहाँ पे आपको इस वेबसाइट पे इसकी पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो हम इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसको ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं apar.education.gov.in, ये अपार की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे आपको अपार की पूरी जानकारी मिल जाएगी। यहाँ पे आप ये कार्ड देख सकते हैं, जिस तरह से आधार कार्ड होता है, उसी तरह से अपार का यहाँ पे एबीसी कार्ड भी मिलने वाला है स्टूडेंट्स को। तो अब यहाँ पे हम रिसोर्स में देख लेते हैं। रिसोर्स में यहाँ पे आप आएंगे तो यहाँ आपको अलग अलग लैंग्वेजेस में पूरी जानकारी मिल जाएगी, यानी अपार की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, अपार आईडी प्रोसेस। उसके अलावा अपार पेरेंटल कंसेंट फॉर्म यहाँ पे हिंदी में आपको मिल जाएगा, जिसपे आपको यहाँ पे साइन लेनी है पेरेंट्स की। तो अब मैं ये डाउनलोड कर लिया हूँ, तो आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो इस तरह से ये कंसेंट फॉर्म है जो हमें पेरेंट्स के पास से भर के लेना है, उसकी प्रोसेस भी मैं आगे बताने वाला हूँ। तो इस तरह से यहाँ से आप ये फॉर्म हिंदी में भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसको मैं कट कर देता हूँ। इसके अलावा यहाँ पे अपार वीडियोज भी हैं, आप चाहे तो यहाँ पे इस वेबसाइट पे विजिट कीजिए, और अपार के ताल्लुक से जितने भी वीडियोज हैं उसको भी आप एक बार देख लीजिए, अपार इंस्ट्रक्शन वीडियो। उसके अलावा बेनिफिट्स ऑफ अपार, ये भी यहाँ पे वीडियो अवेलेबल है, आप यहां पे देख सकते हैं। और अपार एंड एबीसी, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि एबीसी कार्ड भी आप डाउनलोड कर सकते हैं अपार के जरिए, तो वो भी यहां पे उसका वीडियो अवेलेबल है। तो इस वेबसाइट पे आके आप अपार की ज्यादा जानकारी ले सकते हैं। अब मैं यहां पे वापस से होम पेज पे आता हूं। अब ये तो आप समझ गए होंगे कि अपार आईडी आधार की ही तरह एक आईडी होगा, जिसका यूज एजुकेशन पर्पस के लिए होगा भविष्य में। तो इस वेबसाइट पे विजिट करने के बाद आप अपार आईडी क्या है ये पूरी तरह से जान जाएंगे, और उसके बाद यहाँ पे नीचे उसका प्रोसेस भी लिखा हुआ है कि किस तरह से अपार कार्ड यहाँ पे जनरेट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे एजुकेटिंग पेरेंट्स, यानी आपको पहले पेरेंट को एजुकेट करना है अपार आईडी के बारे में। उसके बाद कंसेंट सबमिटेड, यानी जो कंसेंट फॉर्म अभी आपने देखा हुआ है वो मैं यहाँ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दूंगा, तो उस फॉर्म को आप पहले पढ़ लीजिए। उस फॉर्म के ऊपर पेरेंट का कंसेंट होना जरूरी है, यानी जिसको आप एनओसी कह सकते हैं, ना हरकत दाखला, तो वो फॉर्म पेरेंट्स की तरफ से लेना जरूरी है, उसके बाद ही आपको यहाँ पे अपार आईडी जनरेट करना है। तो कंसेंट फॉर्म
मिलने के बाद अपार आईडी जनरेशन, यानी कंसेंट फॉर्म के बाद आप यू डैश प्लस में आकर अपार आईडी जनरेट कर सकते हैं और उसके बाद यहाँ पे डीजी लॉकर में भी अपलोड कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो इस तरह से इस वेबसाइट में बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर दिए हुए हैं, तो इस वेबसाइट पे आप विजिट कर सकते हैं। अब हम चलते हैं दोबारा कि इसकी प्रोसेस क्या होने वाली है। तो उसके बारे में भी यहाँ पे लिखा हुआ है कि अपार आईडी जनरेट करने के ताल्लुक से एमआईएस कोऑर्डिनेटर और डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर की तरफ से पहले यहाँ पे स्कूल्स के एचएम का प्रशिक्षण होगा, ट्रेनिंग होगी। उसके बाद सेकेंड प्रोसेस है, आपको यहाँ पे पेरेंट मीटिंग लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं शाला स्तरावर अपार आईडी क्रिएट करण्यासाठी शाळेच्या मुख्याध्यापकांनी पेरेंट टीचिंग मीटिंग आयोजित करून कंसेंट बाय फादर मदर लीगल गार्डियन ऑफ स्टूडेंट फॉर अपार आईडी जनरेशन हा फॉर्म भरून घेऊन पुढील कारवाई करावी। यानी सबसे पहले तो आपको पेरेंट टीचिंग मीटिंग लेना है, उनको एजुकेट करना है अपार आईडी के बारे में, फिर उनके तरफ से कंसेंट फॉर्म भर कर लेना है, उस पर साइन लेनी है और उसके साथ साथ एक आईडी भी लेना है उनका, आधार कार्ड या पैन कार्ड, क्योंकि वो आपको अपार जनरेशन में लगने वाला है। तो उसके बाद ही आप यहाँ पे यू डैश प्लस में अपार आईडी जनरेट कर सकते हैं। दो ऐसी चीजें हैं जो आपको अपार आईडी जनरेट करते टाइम पे लगने वाली है, एक यही कंसेंट फॉर्म जो पेरेंट्स ने साइन करके दिया हुआ है और दूसरा यहाँ पे आपको पेरेंट्स का आईडी कार्ड लगेगा, यानी आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड वगैरह। क्योंकि अपार आईडी जनरेट करते टाइम पे आपको वहां पे आईडी का नंबर मेंशन करना है, जैसे आधार कार्ड होगा तो आधार नंबर वहां पे डालना पड़ेगा आपको अपार आईडी जनरेट करते टाइम पे। तो इस तरह से आप इतने डॉक्यूमेंट आपके पास रख सकते हैं, उसके बाद आप अपार आईडी जनरेट कर सकते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे कि अपार आईडी क्या है और इसको जनरेट करने का प्रोसेस क्या क्या है और इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं। तो अगले वीडियो में हम ये देखेंगे के स्टूडेंट पोर्टल से आपको अपार आईडी मॉड्यूल के जरिए स्टूडेंट का अपार आईडी कैसे जनरेट करना है। तो तब तक बने रहिए हमारे चैनल के साथ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और सामने दिए बेल आइकॉन पर प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। इससे हम जैसे ही कोई नया वीडियो डालेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर मिल जाएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।